महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच सरकार के गठन के लिए फॉर्मूला फाइनल हो गया है। ये फॉर्मूला तीनों दलों को सैद्धांतिक रूप से मंजूर भी है, जिसके तहत विधानसभा में जिसकी जितनी संख्या होगी उस हिसाब से उसे उतने मंत्रालय मिलेंगे। तीनों दलों के बीच कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर शुक्रवार को मुंबई में फिर चर्चा होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस और एनसीपी मंत्रियों के संभावित नामों पर भी चर्चा कर रहे हैं। तीन दलों के इस गठबंधन के नाम पर भी आज फैसला संभव है। कल मुंबई में होने वाली बैठक में इस गठबंधन के संयोजक के नाम का फैसला भी हो सकता है। इस गठबंधन में एनसीपी और शिवसेना के बीच ढाई ढाई साल के लिए सीएम का पद और कांग्रेस के लिए डिप्टी सीएम के पद पर सहमति बनी है। मतलब शिवसेना नेता संजय राउत के इस दावे में दम है कि 1 दिसंबर से पहले महाराष्ट्र को नई सरकार मिल जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि इस बार शिवसेना की दी हुई तारीख खाली नहीं जाएगी। 1 दिसंबर से पहले लगभग ये तय हो जाएगा, मुख्यमंत्री पद या सरकार बनाने की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कल तक यहाँ मीटिंगें चल रही थी, बैठकों का दौर चल रहा था। पवार साहब के घर में कांग्रेस एनसीपी की एक मैराथन बैठक चल रही थी, लेकिन कल से मुंबई में इस प्रकार से जो एक दूसरे के साथ चर्चा करने का जो काम है, एक दिन का काम है। आने वाले 2 दिनों में सरकार बनाने के बारे में हम आगे जाएंगे। अब 3 पार्टी एक साथ आने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो सरकार बनेगी। पावर शेयरिंग के बारे में मुंबई में जाकर 3 पार्टी एक साथ चर्चा करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि तीनों पार्टियों की ओर से एक चिट्ठी महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को 23 नवंबर को सौंपी जाएगी। राउत के अनुसार इस चिट्ठी में तीनों पार्टियों के विधायकों के हस्ताक्षर होंगे। संजय राउत ने साथ ही विश्वास जताया कि राज्य में सरकार का नेतृत्व उद्धव ठाकरे करेंगे। लेकिन सेक्युलर शब्द क्या अभी भी इस गठबंधन में पेच फंसा रहा है? इसके जवाब में संजय राउत बाला साहब ठाकरे को याद करते हैं। नहीं, देखिए देखिए, शिवसेना को अपने हिंदुत्व आइडियोलॉजी थोड़ा टोन डाउन करना। ये देश का संविधान सेक्युलर शब्द से ही जुड़ा है। इस देश में जो भी काम होता है आज भी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, वो जात और धर्म को देखकर नहीं कोई काम करता। जो ही देश का नागरिक है वो सभी देश के हिस्सेदार है, ये हम सब मानते हैं। बाला साहेब ठाकरे ऐसे नेता ही देश में रहे जिसने हमेशा कहा कि किसी भी न्यायालय में जो आप धर्म के ग्रंथ पर हाथ रखकर शपथ लेते हो ये बंद करो, अगर ये देश सेक्युलर है तो, और संविधान के किताब के ऊपर हाथ रखकर आप शपथ लीजिए। ये बाला साहेब ठाकरे जी की हमेशा भूमिका रही है। महाराष्ट्र में अभी भी राष्ट्रपति शासन लागू है। इससे पहले बुधवार को भी शिवसेना के विधायक ने बताया था कि 22 नवंबर को शिवसेना विधायकों की बैठक बुलाई गई है। शिवसेना विधायक अब्दुल सत्तार ने बताया कि सभी MLAs को ID कार्ड साथ लाने के लिए कहा गया है। अब्दुल सत्तार के अनुसार सभी विधायकों को 5 दिनों के लिए कपड़े भी साथ लाने के लिए कहा गया है। 288 सदस्यों वाले विधानसभा के 24 अक्टूबर को घोषित चुनाव नतीजों में कोई भी पार्टी बहुमत के लिए जरूरी 145 सीटें हासिल नहीं कर पाई थी। BJP को 105 सीटें मिली, जबकि शिवसेना को 56 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं NCP को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थीं।